हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो बस देखिए, यहाँ पे जहाँ से कल एंड करी थी ना, तो फिर वहाँ से स्टार्ट कर दी थी, वहाँ से नहीं, मतलब जैसे एक एक डेढ़ घंटे बाद से ही। तो इस समय करीब बज रहा है 3, और मतलब फिर मैं अपना मूव एडिट एडिट करने के बाद, तो वीडियो अपलोड करने के बाद, और उसके बाद ना फिर आराम नहीं करी थी, मैं उठ गई थी। मैं कही चलो शाम की भी तैयारी करनी, क्योंकि हवन ववन करना है शाम को। तो मैं प्रिंसेस कही चलो पहले छत पे से सारा कपड़ा लेती आऊँ, क्योंकि धूप भी है, तो ज़्यादा धूप में कपड़ा रहने से ख़राब हो जाता है। तो बस एक बार प्रिंसी को दे दी थी, और कपड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कपड़ा रहता है ना, तो फिर मैं लेती जाती, लेकिन कपड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैं कही कि चलो प्रिंसी को भी साथ लेती आई थी। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज भी जाऊंगी मंदिर, और आज के मंदिर में जब चलेंगे ना आप सभी, तो आप सभी झूम पड़ोगे, इतना मतलब अच्छा रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं सारा कपड़ा लेके जाती हूँ नीचे, और उसके बाद फिर नीचे की रह जाएगी झाड़ू उड़ू लगाना शाम का, तो सब भी कर लूँगी, क्योंकि आज मतलब जैसे कि आज नवमी और अष्टमी दोनों साथ ही में है। तो अष्टमी तो सुबह तक थी, शायद 11 बजे तक थी अष्टमी, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ अष्टमी थी, और उसके बाद से नवमी शुरू हो गई, तो इसलिए शाम को ही हवन होएगा। तो बस इस मैं कही चलो शाम को ही हवन कर लूँगी, और कन्या पूजा है, जो भी होएगा शाम को ही होएगा। तो कन्या तो देखिए मैं खिलाती नहीं हूँ, क्योंकि ना कन्या भी मैं यहाँ पे कभी कोई खिलाया भी नहीं है घर में, और अभी मैं भी नहीं शुरू करी हूँ कन्या खिलाना। अब देखिए अगले अगले बार से अगर देवी मैया चाहेंगी, तो फिर मैं भी अपना व्रत शुरू करूँगी, तो फिर कन्या भी खिलाना शुरू करूँगी। तो कन्या में तो बस मैं अपने प्रिंसी का ही कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जैसा अगले बार भगवान चाहेंगे, तो उस हिसाब से करूँगी। बस मैं ये है ना कि जितना श्रद्धा उतनी भक्ति, बस इसी में है। और उसके बाद फिर यहाँ के देखिए झाड़ू भी लग गई थी, बर्तन तो सारा इकट्ठा है, और चलो ये बर्तन पे पानी डाल दूँ, क्योंकि ये बर्तन पे पानी नहीं डालू, पानी थोड़ी देर डाल दो ना बर्तन पे तो सही रहता ना, तो फिर बर्तन ना एकदम कटकटा जाते, तो फिर साफ़ करते नहीं बनता अच्छे से। तो बस इसमें पानी उन्हें डाल के, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हवन का भी समय हो रहा है, और मंदिर पे भी बार बार अलाउंस हो रहा है कि 5 बजे से हवन शुरू हो जाएगा मंदिर पे भी, और शिवांश तो वहाँ पे ही है अभी, क्योंकि ना मम्मी मंदिर पे भी हवन ववन सब भेजी हैं, क्योंकि मंदिर पे भी हवन जाता है, और सब अपने अपने घर से हवन लेके जाते हैं, हवन भी करते हैं, और जो पंडित जी आते हैं उनको सीधा दे दी हैं मम्मी, अभी मतलब सारा तैयारी करके रख दी हैं आगे वाले कमरे में, क्योंकि जैसा कि 5 बजे से शुरू है, तो मैं शिवान से कही कि दादी सब तैयार करके रखी हैं, लेते जाओ, तो करा मम्मी बस 5 मिनट बाद अभी जाऊँगा, तो वही सब रखा था आगे वाले कमरा में। और यहाँ मैं देखिए जो भी एक दो बर्तन और था, सारा बीन बीन के इकट्ठा कर रही थी साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी कपड़ा चेंज कर ली थी, और अब चल रही मैं अभी अपना हवन ववन जो भी होएगा सब करूँगी, पूजा वूजा। तो साड़ी मैं आज ये वाली पहन ली थी, क्योंकि मुझे शाम को मंदिर पे भी जाना है, तो मैं कहीं अभी इसी समय साड़ी चेंज कर ले रही, क्योंकि आज तो खाना का झंझट है नहीं, तो इसलिए साड़ी तो जूठी होगी नहीं, तो मैं कहीं चलो सब कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर पर। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त कहीं, दीदी आप ना बीच वाली उंगली से सिंदूर लगाया करो, तो बस मैं आज उसी उंगली से लगाने की कोशिश कर रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं भी अपने घर के मंदिर के पे, और करने लगी थी हवन की तैयारी। तो सबसे पहले नीचे जो ऊपरी होती उसे रख दी थी, हमारे यहाँ ऊपरी कहते हैं, बहुत लोग इसे कंडे कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऊपरी कहते हैं। और उसके ऊपर ना जो सूखे आम की लकड़ी होती वो रख दे रही थी, और बाकी देखिए हवन की सामग्री भी सब तैयार है। हवन का सामग्री मैं हमेशा बना के ही रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी जैसे कि व्रत व्रत रहती हूँ ना, तो उसमें हवन करती हूँ, तो इस बीच तो अभी व्रत नहीं रह रही हूँ, अब नवरात्र से अपना जो परदोस और बृहस्पतिवार अपना रहना फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब से हाथ में चोट लगी थी तब से नहीं रह रही थी, प्रदोष रह रही थी और बृहस्पतिवार नहीं रह रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था, और इसमें मैं मतलब कर दी हूँ, और अब चलो जब तक ये थोड़ा आग अच्छे से हो जाएगा, तो तब तक मैं यहाँ भगवान जी को दिया हुआ लगा दे रही हूँ, ये भी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं हवन करूँगी। तो देखिए सब भगवान जी को दिया लगा के प्रसाद चढ़ा दी थी, और यहाँ पे भी लड्डू मंगवाई थी चढ़ाने के लिए देवी मैया को, जैसा कि बताया ना कि पूरी इस बार मैं नहीं बनाई हूँ, और लड्डू बतासा ये सब मंगवाई थी, क्योंकि देवी माँ को बतासा भी बहुत प्रिय होता है, और लड्डू उड्डू भी मतलब प्रिय होता है। तो बस यहाँ पे और बाकी सब जगह तो मम्मी भी लड्डू ही चढ़ा ली थी, आप लोग पिछले ब्लॉक में देखे थे, तो मैं अब घर में चढ़ा दे रही हूँ सब भगवान जी के लिए लड्डू, और उसके बाद फिर चलूँगी करूँगी हवन, हवन करने के बाद आरती। तो
उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा घर धुएं से भर गया है। अभी हवन नहीं करी, अभी सब कर रही थी, और तब तक काफ़ी अच्छे से देखिए प्रज्वलित हो गया है एकदम अच्छे से। और अब चलो मैं बैठ गई हूँ हवन करने के लिए। तो आज प्रिंसी से मैं कही प्रिंसी थोड़ा सा अगर हो सकेगा तो ले लेना व्लॉग, तो बस प्रिंसी लेने लगी थी। तो सबसे पहले देखिए अग्नि देवता को जल से किया जाता है उन्हें, और उसके बाद ही हवन किया जाता है। तो बस जितना मुझे पता रहता, देखिए अब मतलब जितना पता रहता बस उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस अब चलिए मैं हवन कर लूँगी, और मैं हवन कर लूँगी तो उसके बाद प्रिंसी भी कर लेगी। शिवांश तो मंदिर पे ही करके आ जाएगा, और मम्मी भी मम्मी तो नहीं है, मम्मी गई है पुराने घर। तो बस यहाँ पे चलिए हो जाए था, नहीं सॉरी मम्मी बाहर बैठी थी, कोई आ गया था ना तो मम्मी बाहर बैठी थी। तो देखिए हवन कर दे रही, और इस जो हवन की महक होती है ना पूरे घर को इतना मतलब वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि चारों तब बस इसी की महक रहती है। और इस सब कहते हैं ना इससे पूरी निगेटिव जो ऊर्जा होती है पूरी बाहर हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी आ गई थी, प्रिंसेस कहे कि सर पे कुछ रख लो, तो कुछ मिल नहीं रहा था ना दुपट्टा वपट्टा, तो कान्हा जी को जो जो सब रुमाल रखी हूँ कान्हा जी को पोछने के लिए, तो एक रुमाल में कहे सर पे रख लो। बस यहाँ पे हो गया था, हम लोग कर लेंगे आरती। और यहाँ पे ना सामने से कोई भी वॉइस नहीं कर पा रही क्योंकि बाजा इतना साउंड में बज रहा है ना कि कॉपीराइट का डर होता है, तो इसलिए मैं सामने से कोई भी वॉइस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सामने से अगर वॉइस लूँगी तो पूरा जो बाजे की आवाज़ है पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आरती कर ले रही हूँ, सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर देवी जी मैया की आरती करूँगी। और बस यहाँ पर देखिए पूजा वूजा सब हो गई थी, ये देखिए, अरे देखिए मेरी माता रानी, तो सब हो गया था। और अब मैं चल रही हूँ प्रिंसी के लिए, तो प्रिंसी का भी करूँगी अच्छे से। और जैसा कि प्रिंसी तो आज है व्रत, तो प्रिंसी शिवांश मैं मतलब हमारे घर में सभी व्रत हैं, तो बस प्रिंसी को मैं फल से फल का ही भोग लगाऊंगी प्रिंसी को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना प्रिंसी का मैं पैर धुल दे रही थी, और पैर धुलने के बाद फिर अपने आँचल से पोछ दे रही थी, रुमाल नहीं लेके बैठी थी, कही चलो इसी से पोछ दे रही हूँ। तो बस अब चलूँगी प्रिंसी को भी टीका उका सब कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैं सब लेती आई थी जो भी टीका लगाने का सामान होता है, और मैं जब माता जी के लिए सबके लिए चुनरी ले आई थी ना, तो एक चुनरी में एक्स्ट्रा भी ले आती हूँ प्रिंसी के लिए भी, मतलब ये सोच के ले आती हूँ कि मुझे कन्या भी जैसे रहता है, तो मैं एक चुनरी ले आई थी ना। तो पहले क्या होता था ना, एक दो बार मैं भूल गई थी तो बहुत दिक्कत होती कि क्या मतलब माता जी को ओढ़ाया जाए। तो बस चलिए यहाँ पे प्रिंसी को भी अच्छे से टीका उका कर दे, तो वही मम्मी कह रही थी कि एकदम मतलब अच्छे से कर लो, तो वही मैं मम्मी कहीं कि रंग उंग भी घोर के लगा दो ये सब, तो प्रिंसी मना कही कि हमको रंग नहीं लगाना है, हम कही चलो अच्छा ठीक है रंग मत लगाओ। और ये ना रक्षा मेरे से अभी नहीं तोड़ पाती, पता नहीं क्यों ना अभी उतने हाथ में मेरे जोर नहीं लगता है तो नहीं तोड़ पाए, बहुत कोशिश करी। तो मम्मी से कही कि मम्मी आप तोड़ दो, प्रिंसी से भी नहीं टूटता, तो प्रिंसी जाए थी दास से तोड़ने, कहीं जूठा मत करो क्योंकि मैं और भगवान जी को भी सब रक्षा पहनाती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिंसी को रक्षा पहना दे रही हूँ, और उसके बाद फिर रखा था एप्पल और केला रखा था, तो मैं कही चलो उसी का मैं भोग लगा दूंगी प्रिंसी को। और प्रिंसी को तो वैसे चना की सब्जी बहुत पसंद है, अब चलो फिर किसी और दिन बना दूंगी चना की सब्जी। तो बस यहाँ पे देखिए ये दे दे रही थी प्रिंसी, क्योंकि प्रिंसी भी व्रत थी, तो मैं कही चलो इसी का तो मैं आज भोग लगा दे रही हूँ। और जो भी मेरे पास दक्षिणा था 21 रुपया 51 रुपया जो भी रहता मैं वो हाथ में रख देती हूँ प्रिंसी को, और इतने में मेरी प्रिंसी ना सच में बहुत खुश हो जाती है। तो बस चलिए यहाँ पे हो गया था, और उसके बाद फिर सब हो गया था, अब चलूँगी मैं भी शाम की, देखो क्या तैयारी करूँगी, क्योंकि इनको सबको ना शिवांश प्रिंसी को लगी है बहुत भूख, और एक मन किया कि कुछ लोग को बना दूँ, फिर सोची कि अभी कुछ खा लेंगे तो शाम को कुछ नहीं खाएंगे। और यहाँ पे प्रिंसी खिड़की पे बैठ के ना गाना गाए थी, जैसे जैसे साउंड में बज रहा था ना वैसे वैसे गाना गाए थे, मैं थोड़ा सा इसका ले लूँ लेकिन ना फिर नहीं वो लेने दी। तो यहाँ पे देखिए वड़ा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था मन बनाने का, लेकिन अब क्या करूँ इनके बच्चों की जिद के आगे बनाना ही पड़ता, लेकिन आज ज़्यादा वड़ा नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा बनाई थी सबको, जैसे 3-3 4-4 पीस हो जाएगा बस इतना ही बनाई थी। तो बस ये सब खा पी चुके थे, और अभी मैं प्रिंसी नहीं खाए थे, नहीं हाँ शिवांश भी अभी नहीं खाए थे, हम लोग नहीं खाए थे, बस ये और मम्मी खा लिए थे। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो मैं भी खा ली थी, क्योंकि ना जो 5 बजे हवन होने वाला था तो पंडित जी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, अभी 8 बज रहा है, तो देखो कब तक आएंगे। तो ये हो रहा था कि चलो 8:30 बजे आरती होगी मंदिर पे, तो मैं सोची कि चलो मैं खा लेती हूँ, लेकिन फिर जब खाने जैसी बैठी ना तो उससे आरती का अलाउंस होने लगा, तो फिर मैं रख दी थी, उसके बाद नहीं खाई। और यहाँ पे देखे हम लोग आ गए थे बाहर, और अब चल रहे हैं हम लोग मंदिर पे, मैं मम्मी प्रिंसी और ये और शिवांश, तो शिवांश तो खैर दिन भर तो वहाँ ही बीत जाता है शिवांश का, और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं। और चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ मंदिर में, आज आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे।
एक डेढ़ दर्जन के करीब सबको प्रसाद में और एक ही जन को नहीं सबको इसी तरह से आज प्रसाद मिल रहा था। तो बस ये देखिए केला घर में हो गया है। देखिए बस अब मम्मी भी आती होंगी और जब चल रही हूँ मैं भी खा लूँगी क्योंकि बाकी तो सब खा पी चुके थे, बस मैं नहीं खाई थी। और उसके बाद चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारे से कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।